ए फोर आलू, भाई पलट जा। बी फोर बकरी। ओके, ओ तुम लोग आ गए क्या ना, वो मैं फिजिक्स पढ़ रहा था, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। रुक जाओ, एक मस्त आइडिया आया है मेरे पास। क्यों ना फिजिक्स आज माइनक्राफ्ट में पढ़ा जाए। ओके, तो यही करेंगे आज हम लोग। ओके। ये देखो, ये है माइनक्राफ्ट फिजिक्स वाली दुनिया। यहाँ पे पूरा फिजिक्स अप्लाई होता है। दिखाता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये था। देखो ये कैसे टूट फूट के गिर गए और गायब भी हो गए। ये फिजिक्स थोड़ी, ये तो जादू हो गया। तो यस गाइज, आज की वीडियो में मैंने एक खतरनाक फिजिक्स मॉड इंस्टॉल किया है, जिसे यूज करने पर कुछ ऐसा होता है। ये देखो, ये ब्लॉक्स कैसे डोमिनोज की तरह नीचे टूट के गिरते हैं। क्या तुम लोगों ने ऐसा फिजिक्स देखा है माइनक्राफ्ट में? नहीं देखा है ना, पता था मुझे। तो चलो चलो, जल्दी से वीडियो को लाइक मार दो, और अभी तक बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तब तक इस गेम में मैं थोड़ा सा फिजिक्स समझ के आता हूँ, एग्जाम जो पास करना है मुझे। तो चलो अब इस वुड को तोड़ के देखते हैं। वुड नहीं, वुड होता है, वुड। हाँ मुझे पता है, लेकिन छपरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के कारण मेरी इंग्लिश खराब है। और ये क्या हो गया भाई? ओ ये तो पूरा पेड़ ही टूट गया। ये कैसा फिजिक्स हो गया भाई? थोड़ा सा पेड़ तोड़ो तो पूरा पेड़ ही टूट जाता है, और टूट के गायब भी हो गया पूरा। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अजीबो गरीब फिजिक्स है मुझे पता है, लेकिन गोली मारो ऐसे फिजिक्स को। सबसे पहले तो हम लोग को क्राफ्टिंग टेबल बनाना है, और उसके बाद एक तलवार बनाने दो, ताकि थोड़ा सा खाना खजाना का इंतजाम कर सकूं। तो सारे टूल्स बना लिए हैं मैंने, अब थोड़ा सा हत्याचार करने का वक्त। ओ भाई, ये क्राफ्टिंग टेबल को क्या हो गया? किसी ने इसका दिल ऐसा तोड़ा, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया ये छोड़ा। भाई ये बड़ा मस्त है, एक बार फिर से ट्राई करने दो। ये देखो कैसे ये टूट के गिरता है, और भाई पूरा टूट टाट जाता है ये। अच्छा तो फिजिक्स ऐसे काम करता है, फाइनली मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो अब चलते हैं थोड़ा एनिमल्स पे भी फिजिक्स ट्राई करने, देखते हैं उन पे फिजिक्स कैसा काम करता है। तो सारे एनिमल्स गए कहां भाई? कोई दिख नहीं रहा है। ओ कोई ओई ओई किया भाई, किसी ने अभी यहाँ पे ओई ओई किया, मुझे पता है। अच्छा यहाँ पे सिप है। सिप मैडम जी, क्या आपने ओए ओए किया? अरे नहीं, ये तो मेमे कर रही है। छोड़ो, इसी पे फिजिक्स ट्राई किया जाए, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। बाप रे भाई, फिजिक्स ऐसा कब से काम करने लगा? ये पूरा टूट टाट के लाल लाल हो गया था। ओ यहाँ पे एक पिग है, इस पे भी फिजिक्स ट्राई किया जाए। हेलो भैया, भागो मत, आप पे फिजिक्स ट्राई करना है मुझे। ओ भाई ये भी पूरा लाल लाल हो जाता है, ये देखो। ओ गॉड, कहीं इसके कारण मेरा वीडियो डिमोनिटाइज तो नहीं हो जाएगा? प्लीज यूट्यूब वालों, बच्चे का वीडियो डिमोनिटाइज मत करना, पैसा नहीं आएगा फिर। यार तुम लोगों को भी पता है, मैं ये सब पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ। दिस इज फॉर द साइंस, यू नो, दिस इज फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ ह्यूमन काइंड। और ये देखो, आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि पढ़ते पढ़ते पूरा रात ही होने लगा। ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं था मैं इतना मेहनती हूँ। अरे हड्डिया गया, इसका क्या होगा? देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। एंड ओ भाई, इसका भी टूट के कबाड़ा हो गया। ये मस्त था, ज़ॉम्बी लोग का ऐसा हाल होगा तो मजा तो आएगा ही। तो क्या क्रीपर लोग का भी यही हाल होगा? ट्राई करना तो बनता है, लेकिन मुझे पहले सो जाना चाहिए, या फिर थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेना चाहिए। अरे हड्डी यार, प्लीज तुम्हें भी टुकड़ों में बटना है। तुम्हारा दिल किसने तोड़ दिया कि तुम्हें टुकड़ों में बटना है? अरे वो क्रीपर आके मेरे मुंह के सामने। क्या जमाना आ गया है, बच्चे लोग अब शांति से पढ़ भी नहीं सकते। यार उस क्रीपर ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना था उसको, प्लीज। अब मुझे सही में गुस्सा आ रहा है उस क्रीपर पे, वो मेरे चेहरे के सामने अचानक आके फट गया, और यहाँ पे तो पूरा सुनामी आ गया। भाई साहब ये पूरा टूट टट के सुनामी कैसे आ जाता है? और ये यहाँ पे कब आ गया पता ही नहीं चला मुझे। यार मैं इन सबको इग्नोर मार रहा हूँ, ये देखो अभी भी ये सारे पेड़ टूट टट रहे हैं। तो यहाँ पे रात हो चुकी है, और मामला पानी थोड़ा सा डेंजर हो चुका है। इन सभी हेटर्स को देखो, जल रहे हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो। भाई यार प्लीज पढ़ने देना। नहीं। ओके अब मुझे जल्दी से सोना पड़ेगा, रात को दिन करना पड़ेगा। ब्रो जल्दी से तुम लोग मुझे उल दो, और ये बेड रखो यहाँ पे और सो जाओ। The next morning. तो चलो गाइस देखते हैं इनका फिजिक्स कैसे काम करता है। हेलो भैया, आपके साथ भी वही होगा? ओ भाई ये भी पूरा टुकड़ों में बढ़ जाता है, ये देखो पूरा लाल लाल। यह वीडियो पक्का डिमोनिटाइज होगा। तो चलो अब थोड़ा सा माइनिंग पे चला जाए, देखते हैं कि डायमंड और आयरन ये सब का फिजिक्स कैसे काम करता है, क्योंकि ये सारे ट्रीज का तो फिजिक्स बहुत ज्यादा अजीब है। ये देखना क्या होगा, पूरा पेड़ ही टूट के गिर जाएगा एक बार में। तो क्या ऐसा आयरन और ये सब के साथ भी होगा, देखते हैं। तो माइनिंग किधर से स्टार्ट किया जाए? सीधा स्ट्रेट माइन करता हूँ, नहीं डरता मैं किसी से, या तो आर या तो पार। और यहाँ पे तो पूरा लाइन लग गया भाई, ये देखो मैं डूब के मर रहा हूँ डर्ट में। भाई यहाँ पे तो पूरा डर्ट का सुनामी आ गया था, और अब कॉबल स्टोन का सुनामी आ गया। वो तो अच्छा है यहाँ पे फिजिक्स में थोड़ा सा जादू भी है, ये सब गायब हो जाते हैं अपने आप, नहीं तो मैं कब का डूब के मर गया होता इन सभी स्टोन्स में।
जिंदा बच गया मैं। तो ये देखो, पता नहीं कैसे बट मैं ये माइनक्राफ्ट में अटक गया हूँ। भाई मेरे को इस माइनक्राफ्ट में नहीं आना था, लेकिन देखता हूँ इस कोल पे क्या होता है। और ये कोल, ओ भाई पूरा ऊपर से टूट के गिरने लगा। ओ माय गॉड, मैंने बस ये कोल तोड़ा और पूरा ऊपर का टूट गया। ये तो पूरा पगलेट फिजिक्स है, ये पढ़ के मैं एग्जाम पास करूंगा। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ये देखना पूरा ऊपर से टूट के गिर रहा है। अरे मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ना 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 मरूंगा नहीं। कॉबल स्टोन में भी ग्रेवल ट्रैप जैसा कर दिया इन लोगों ने। तो चलो अब जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो करते हैं, खजाना डायमंड ढूंढने। उसे टूटते हुए मुझे देखना है, उसमें मजा आएगा मुझे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा, अभी लेवल 12 पे नहीं पहुंचे हैं हम लोग। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग लेवल 12 पे, अब चलो चलते हैं डायमंड ढूंढने। अरे भाई ये पूरा टूटता जाएगा क्या? ये देखो मैं बस इधर माइन कर रहा हूँ और पूरा ऊपर से टूटते हुए जा रहा है ये। भाई गजब है, ऐसे में डायमंड हमका कैसे मिलेगा? कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग डायमंड ढूंढेंगे पूरा तबाही मचाते हुए। बस ऊपर से एक दो क्रीपर ना कूद जाए मेरे सर के ऊपर से, और यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही तबाही मचा दिया, मेरा गेम बहुत ज्यादा लैग करने लगा है। ये देखो भाई पूरा पत्थर गिर रहा है ऊपर से और मेरा सर भी नहीं फूट रहा है, और यहाँ पे मुझे लावा की आवाज आ रही है। ओह भाई लगाई था यहाँ पे लावा है। उधर नहीं जाएंगे हम लोग, इस साइड चलते हैं डायमंड ढूंढने। तो डायमंड कितने हैं? ये देखो मैंने ये सब तबाही मचाया है, लेकिन इतना करने के बाद भी डायमंड मिल गया। ये देखो यहाँ पे था छुपा हुआ ये, और यहाँ पे आयरन भी है। चलो पहले यही सब कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करो सब कुछ फटाक फटाक। और भाई 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 भाई, ओ माई गॉड ये तो पूरा ब्लॉक्स का सुनामी आ रहा है यहाँ पे। ये देखना पूरा ऊपर से टूट के गिरने लगेगा सब कुछ। अरे लावा है इधर कहीं क्या? वो भाई यहाँ पे लावा है, थोड़ा सा मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। तो चलो अब इसे कलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसका क्या होगा। अरे भाई भाई मैं स्टोन टूल से ही तो तोड़ रहा था, मेरे पास सारा आयरन ये सब तो है, तो आयरन टूल से बना लेते हैं हम लोग। और क्या इस लावा में भी कुछ फिजिक्स अप्लाई होगा? वाटर वॉकेट से ट्राई करना पड़ेगा। तब तक फटाक से मुझे अपना कचरा खाली करने दो। तो सब कुछ बना लिया है, नाउ आई एम सुपर रेडी। और भाई डायमंड भी ऐसे टूटता है, ये तो और भी खतरनाक है। चलो कलेक्ट कर लेते हैं, डायमंड मिल तो रहा है मुझे। ओ लावा में मत जाना। ओके तो हमारे डायमंड वेस्ट नहीं हुए, हम लोगों को 5-5 डायमंड मिल चुका है। अब बताऊंगा ना उन सभी क्रीपर्स को, मुझे मारा था ना। चलो इस वुडन एक्स की जरूरत नहीं रही। तो चलो अब देखते हैं कि क्या इन सभी लावा पे भी फिजिक्स अप्लाई होगा, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। जो नॉर्मल होता है वही हुआ। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और उन सभी जॉम्बीज को फिजिक्स नहीं अब बायोलॉजी सिखाएंगे हम लोग। उन सभी का मैं चीरफाड़ करूंगा अब। तो उन लोगों को बायोलॉजी सिखाने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत पहले खाना कलेक्ट करना पड़ेगा। अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? इधर आ। ओ भाई इसका सर देखो, क्या हुआ इसके सर के साथ? भाई ये फिजिक्स मोड सही में बड़ा खतरनाक है। तो जल्दी जल्दी मुझे पहले फटाक फटाक खाना कलेक्ट करने दो, रात होने वाली है। तो रात हो गया, बायोलॉजी पढ़ने का टाइम आ गया। सबसे पहले देखूंगा कि उस क्रीपर के फटने से क्या होता है। तो क्रीपर दिख जा भाई, हड्डी है यहाँ पे, पक्का हड्डी है, मुझे आवाज आ रही है। तो ये देखो इनके साथ तो ये होता है, इनका सारा हड्डी निकल जाता है। और वो देखो वहाँ पे एंडरमैन है, देखते हैं इनके साथ क्या होता है। लेट्स गो, इपिक क्लच कर देना, ये नहीं करना था। कोई बात नहीं, देखते इस एंडरमैन के साथ क्या होता है। क्या ये भी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा? हेलो, क्या आप भी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाओगे? और ये गायब हो गया। आजा 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 आजा। और भाई चारों टांग इसका टूट गया, यार बेचारे के साथ बुरा हुआ, इसका चारों टांग ही अलग हो गया। तो अब वो क्रीपर की वाड़ी कहीं पे दिख नहीं रहा है, हर जगह तो ये हड्डी भरे हैं। हेलो भैया, आपके साथ ये होने वाला है अभी। और दिख गया मुझे क्रीपर। अरे छुटंकी भाई ऐसा नहीं करते प्लीज, मैं बड़ा हूँ ना, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो ये देखो ये दिख गया मुझे क्रीपर। आजा भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और भाई ये देखो इसका चित्री चित्री हो गया। हाँ यही तो मैं देखना चाह रहा था, मजा आया देख के मुझे। ये काम 5-6 क्रीपर के साथ और करना है। ये देखो एक और क्रीपर दिख गया और उसके साथ साथ ये जॉम्बी दिख गया। इसे इग्नोर मारते हैं और इसे फोड़ते हैं। और भाई साहब मजा आ गया मुझे। भाई प्लीज डिस्टर्ब मत करना, मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। यार क्रीपर का एक्सप्लोजन मुझे देखने नहीं दिया। तो एक आखिरी क्रीपर को ढूंढते हैं और उसे भी ब्लास्ट करवाते हैं। वो देखो दिख गया मुझे वो क्रीपर, चलो इसका भी ब्लास्ट करवाते हैं। इनका ब्लास्ट देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। इधर आ जाओ भाई, यस यस थोड़ा सा इधर। और ये लो अब फट जाओ। और भाई देखो पूरा चित्री चित्री हो जाता है इनका। और मुझे पता नहीं था इनके शरीर में भी खून है। ओके तो लगता है आज के लिए इतना पढ़ाई मेरे लिए काफी रहेगा। अब तो लगता है मैं एग्जाम आसानी से पास कर जाऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो।